हाय ऑल दी हैप्पी सोल्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही फेमस मेथी ना गोटा। तो हम सबसे पहले लेंगे 1 कप मेथी और 1/4 कप धनिया, जिसे हमने अच्छे से धो के साफ करके फाइनली चॉप कर लिया है। दूसरे बॉल में लेंगे हम बेसन, इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच रवा, जिसे काफी अच्छा टेक्सचर आएगा, जिसे हम अच्छे से छान लेंगे ताकि लम्स फॉर्म ना हो बैटर में। यहाँ आप रवे की जगह पे मोटा पिसा हुआ बेसन अगर आपके पास है तो वो भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमें 1 बड़ा चम्मच पीसी हुई चीनी डालेंगे, अगर पीसी हुई नहीं है तो सादी भी चलेगी। अभी 1 चम्मच नमक डालेंगे या आपके स्वाद अनुसार, थोड़ी सी काली मिर्ची, 1 बड़ा चम्मच हमने धनिया अक्खा कूट के ले लिया है, ये जरूर डालना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 हरी मिर्ची बारीक काट के, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। थोड़ा धनिया जीरा पाउडर, अभी थोड़ी सी अजवाइन डालनी है जिसे हमने हाथ से क्रश कर लिया है, और हम डालेंगे इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है चावल का आटा, जिससे हमारे पकौड़े अच्छे क्रंची बनेंगे। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। इसका अच्छा बैटर बन गया है, इसमें हम अभी कोथमीर और मेथी जो काट के रखी थी वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पे 1 चुटकी सोडा और 1/2 नींबू का रस डालना है और थोड़ा सा गरम तेल डालेंगे उसके बाद। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा तेल देखिए अच्छे से गरम हो गया है। अभी हम एक एक करके ऐसे गोटा छोड़ देंगे हॉट ऑयल में। अभी हमारे सुपर क्रंची मेथी ना गोटा तैयार है खाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें।